हेलो हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साल में। तो फ्रेंड्स, आज हम एचपी पुलिस एंड फर्स्ट गार्ड के लिए रीजनिंग का पार्ट टू करेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग से ये रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको रीजनिंग के पार्ट में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा भी स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप भी एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर बिल्कुल सही आए हैं, बिकॉज़ हम अपने चैनल पर जो एचपी पुलिस के एग्ज़ाम की, फ्रेश गार्ड के एग्ज़ाम की जो चारों सेक्शन होते हैं, पांचों सेक्शन होते हैं, उनकी हम कम्प्लीटली वीडियो डालते हैं। हिंदी, जीके, मैथ कम्प्लीटली वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NURSE को XQXUVH लिखा जाता है तो टॉवल यानी कि TOWL को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी हम इसको करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपको नर्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको नर्स से जो है वो QXUVH का आपको थोड़ा सा रिलेशन निकालना होता है, फिर आपको जो नेक्स्ट वर्ड दिया होता है उसका थोड़ा आगे रिलेशन निकालना होता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि N के बाद Q कब आता है, तो फ्रेंड्स N के बाद जब हम N के बाद हम तीन लेटर आगे जाते हैं MNOPQ, तो फ्रेंड्स जो थर्ड पेज जो है वो ये आ रहा है, तो और ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं U, तो U से तीसरे नंबर के बाद में क्या आता है, X आता है, ठीक है, एक्स आता है, और आर के बाद वैसे ही आपके पास यू आता है तीसरे नंबर पर, एस के बाद, ये तो यानी कि हमारे पास जो पहले वाला लेटर है उसमें तीन ऐड करना है, ठीक है, जो नेक्स्ट तीन में आएगा वो हमारा जो आंसर होगा। तो टॉवल को भी ऐसे लेट करेंगे, जो टी के बाद तीसरा होगा, तो टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट लेटर हमारा डब्ल्यू होगा, ठीक है, तो और ओ के बाद तीसरा ओ पी क्यू आर, तो फ्रेंड्स आर उसके बाद आएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है आर आ गया, तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में देखेंगे डब्ल्यू आर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है डब्ल्यू है, ठीक है। तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है, तो फ्रेंड डब्ल्यू के बाद आता है इस थर्ड लेटर भी आता है जेड, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो ओ और जो ई है, तो ई के बाद, ई के बाद थर्ड पे कौन आता है, तो वो आता है एच। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जरूर करें, आपको ये एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच को VGCEZ लिखा जाता है तो स्टडी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर करें, नोट डाउन जरूर करें इनको, ठीक है। तो टीच है, तो फ्रेंड्स ये भी उसी तरह का सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमारे पास टीच दिया हुआ है, ठीक है। टीच को हम लेट करेंगे इसे VGCEJ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो टी, ठीक है, टी से वी का रिलेशन क्या बन रहा है, तो टी यू वी, तो फ्रेंड्स जो दूसरे नंबर पे लेटर आ रहा है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ई के बाद क्या होता है, ई एफ जी, दूसरे नंबर आ रहा है जी, यानी कि दो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर में है, जो दो ऐड हो रहा है इसके बाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एस के बाद दूसरा लेटर एस, ठीक है, टी यू, तो फ्रेंड्स हमारा जो यू से जो है वो आंसर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एस के बाद दूसरे नंबर वाला लेटर लेंगे, तो टी के बाद दूसरे नंबर वाला लेटर कौन होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है वी, ठीक है, और यू के बाद दूसरे तो वो होता है डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आपको इसी किन्हीं इन क्वेश्चन में किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकेतिक भाषा में कुमार को JTJLZQ लिखा जाता है तो संस्कार को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। तो फ्रेंड्स जैसे हमारे पास है कुमार, ठीक है, कुमार लिख दिया, फिर उसको रिलेट करेंगे हम JTLZQ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा के एक लेटर पहले क्या आता है, तो आता है जे, यू के एक लेटर पहले क्या आता है, टी आता है, यानी कि माइनस वन करना है जो ऊपर वाले में से, ठीक है। तो हम संस्कार से भी वैसे एक पीछे, एस से पीछे एक क्या आता है, ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसका जो है एस से पहले आता है आर, ठीक है, एक लेटर पहले करना है। ए से पहले क्या आता है, तो वह जेड आता है, ठीक है, तो जेड में आपको जाना पड़ेगा। और एन के पहले क्या आता है, एम आता है, और के पहले जे आता है, और ए के पहले जेड आता है, आर के पहले क्यू आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को के एस के जेड वाई जी लिखा जाता है, तो चेन्नई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। सॉरी फ्रेंड्स, तो मुंबई की बात आती है, ठीक है, तो मुंबई को हम लिख लेंगे, ठीक है। आपको फ्रेंड्स एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, तो आपको क्या लिखना होगा जब आप पेपर करने बैठते हैं, ठीक है, उससे फ्रेंड्स सबसे पहले आप ए बी सी लिखिए, ए बी सी के ऊपर नंबर डालिए, ए पे लेटर पे कौन आता है, वन आता है, ऐसे पूरे जड़ तक डालिए। फ्रेंड्स आपको बहुत ही आसानी होगी ऐसे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। आपने मुंबई लिख दिया, उसके बाद क्या है, तो फ्रेंड्स उसके बाद है के जेड वाई जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपके पास है, तो आपको क्या करना होगा, आप सोचिए यहाँ पे एम के बाद, ठीक है, तो आप नीचे से ऊपर भी रिलेशन बना सकते हैं या ऊपर से नीचे बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एम के दो लेटर पहले कौन आता है, वो आता है के, यू के दो लेटर पहले कौन आता है, वो आता है एस, ठीक है। तो फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है, तो फ्रेंड्स हमें चेन्नई में सी से पहले ए आता है, ठीक है, सी में से दो लेटर माइनस करने पर कौन आता है, वो आता है ए आता है, एच में से कौन आता है, तो फ्रेंड्स वो आता है एफ, फिर ई के पहले कौन आता है, फिर आता है सी, फिर एन के बाद पहले आता है एल, फिर एन के बाद एल, फिर ए के पहले दो लेटर पहले आता है एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो वाई, सॉरी वाई होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर है फोर्थ का वो हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स मैं आपको ओनली 3 क्वेश्चन जो है आपको करने को दूंगा, उनका आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो अब हम ही 10 क्वेश्चन करेंगे और 3 क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसी किसी सांकेतिक भाषा में 10 को यू जी क्यू लिखा जाता है, तो रेड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमने 10 लिख दिया, ठीक है, सबसे पहले 10 लिख दिया, और नेक्स्ट यू जी क्यू। फ्रेंड्स ऐसा आपको क्वेश्चन में नहीं होगा कि अभी में से ही ये 1 माइनस होगा या एक लेटर आगे एक लेटर पीछे, सभी में फ्रेंड्स कुछ और भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन में वही है, तो फ्रेंड्स टी के एक बाद में कौन आता है, तो फ्रेंड्स वो आता है यू, ठीक है, यहाँ पे +1 ऐड हुआ, और ई के बाद जी, ठीक है फ्रेंड्स, ई के बाद जी कब आता है, जब हम 2 ऐड करते हैं, तो ई एफ जी यानी कि दूसरे लेटर पे आ रहा है, तो यानी कि +2 हुआ दूसरे में, ठीक है। और एन के बाद क्यू कब आता है, जब हम +3 करते हैं, ओ पी क्यू, तो तीसरे लेटर पे जो आता है। तो फ्रेंड्स यानी कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले में +1 करना है, फिर दूसरे में 2, फिर +3 जो तीसरे लेटर पे आएगा वो ऐसे होगा, ठीक है। तो रेड को कैसे, रेड में एक एस करेंगे तो एस आता है, ए में 2 करेंगे तो सी आता है, टी में यू वी डब्ल्यू, तो फ्रेंड्स एस सी डब्ल्यू इसका जो है वो राइट आंसर है, यानी कि 5th का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को डी डी वाई लिखा जाता है, तो डॉग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 6th का जो है वो 6th का रिलेशन आप बनाएंगे, तो कैट को हम क्या लिखेंगे, डी डी वाई। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और 2 नंबर इनके बिल्कुल ही आसान होते हैं, ठीक है। तो कैट को कैसे, डी सी में एक ऐड हुआ, ए बी सी डी, तो फिर +3 ऐड हुआ, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, तो उसमें 5 ऐड हुआ, ठीक है, लगा पता। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि जो डॉग है उसमें कैसे होगा, पहले हम +1 फिर 3 ऐड करेंगे, फिर जो 5th लेटर पे आएगा वो हमारा आंसर रहेगा, तो डी के बाद पहले पे कौन आता है, तो डी के बाद आता है ई, ठीक है, ई, फिर ओ के बाद तीसरे लेटर पर पी क्यू आर, फिर आता है आर, और जी के 5वें लेटर के बाद 5वें लेटर पर कौन आता है, जी एच आई जे के एल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ई आर एल जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो फ्रेंड्स 7th क्वेश्चन, हम परस्यू को OSZZ लिखा जाता है, तो मनी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स 7th क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप, तो 7th का आंसर है जो वेरी जो थोड़ा क्वेश्चन कूड़ा हटके है, तो पर्स को कैसे लिखेंगे हम, PRPUR SE, तो उसको हम क्या लिखेंगे, OSOOZ, ठीक है। तो फ्रेंड्स पी के जब हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, पिछले लेटर पर ओ आता है, ठीक है, फिर यू के
माइनस दो करेंगे तो क्या आता है, एस आता है। आर के माइनस तीन करेंगे यानी कि क्या हुआ यहाँ पे कि हमें माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर हमें लेटर जो है पीछे लिखने हैं, ठीक है। तो मनी के माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, यहाँ में हमें जो है लेटर वो पीछे की तरफ लिखने हैं। तो मनी का हमारा जो है आप इसको खुद कर लेंगे तो सेवन का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो एम के एक लेटर पहले एल आता है, ओ के तीन लेटर, दो लेटर पहले एम आता है, एन के तीन लेटर पहले के आता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। फ्रेंड्स अभी थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ बिकॉज अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। क्वेश्चन नंबर एट है, पॉकेट को के जेड आई डी टी कहते हैं तो जोकर को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर एट है फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही टफ है, ठीक है। बट फ्रेंड्स आप इसको कर सकते हैं किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है। अब हमको जोकर लिखना है, ठीक है। तो पॉकेट का के जेड आई डी टी से क्या रिलेशन बन रहा है, तो मैं आपको उसको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या करना होगा, हमें माइनस फोर, फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन और एक लेटर जो है वो हमें कोई चेंज नहीं करना उसमें, ठीक है। तो हमें उसमें वही रखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे पांच लेटर पहले क्या आता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे लिखना है। तो एट्थ का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे पाँच लेटर पहले आता है ई, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, इसको आप चेक कर लीजिए। नाइन्थ है, किसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को ए एस एन बी सी का लिखा जाता है तो बोर्ड को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसमें कुछ नहीं है, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, ऐसे हमें करना है, माइनस पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, हमें एक लेटर पहले फिर बाद में पहले बाद में ऐसे करना है। तो नाइन्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन नंबर टेन है, पूजा को सी एफ डब्ल्यू एल लिखा जाता है तो रूपा को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो टेंथ का कैसे हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसमें भी आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, प्लस टू है, माइनस फोर है, प्लस टू है, माइनस फोर है, ठीक है। आपको ऐसे अप्लाई करना है रूपा में फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स अब बात आती है आपको कि आपको कौन से क्वेश्चन खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसको कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, 11, 12 और 13 का। तो फ्रेंड्स आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो भी एचपी पुलिस एंड फर्स्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज अभी फ्रेंड्स जो आपकी भर्ती आएगी वो बहुत ही जल्दी होगी, आपको जो तैयारी करने का, एग्ज़ाम की तैयारी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।